हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ये होम थिएटर है, इंटेक का होम थिएटर है, इसे आज हम रिपेयरिंग के बारे में इसके रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आप अगर दुकान में इसके रिपेयरिंग के लिए देते हैं, ये खराब हो जाता है तो आप दुकान में इसके रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो वो 350-400 रुपये ले लेते हैं और रिपेयरिंग करके देते हैं आपको वापस। लेकिन दुकान वाले का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 50 से 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया खर्चा होता है और वो आपसे 350-400 करके ले लेते हैं। तो आपको मैं एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस होम थिएटर को खुद ही अपने घर में रिपेयरिंग कर सकते हैं या फिर खुद ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको ये जो होम थिएटर है इसके पीछे में नट लगे हुए रहते हैं, ये 6 नट लगे हुए रहते हैं, इसको आपको खोल लेना, ठीक है, खोल देना। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। ये होम थिएटर किट है, 2.1 का होम थिएटर किट है, किट लगा हुआ है इसमें, जो इससे सीरीज वायरेज करके इसको 4.1 बनाया जाता है, यानी कि 100 बूफर रहता है और 4 स्पीकर रहता है, ठीक है। ये एक होम थिएटर किट है, अंदर में देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक अंदर में 100 बूफर का स्पीकर लगा हुआ। तो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं, ज्यादातर इसी में खराबी होती है, तो सबसे पहले इसका हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसका वायर निकाल लेते हैं सारा, ठीक है। तो देखिए ये होम थिएटर किट है, ये होम थिएटर किट है, ठीक है। तो ये इसमें 3 IC लगे हुए हैं, 20-30 3 IC, TDA 20-30 3 IC लगे हुए हैं इसमें। तो ये तीनों IC को आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि इसमें कोई IC खराब तो नहीं है, कोई IC जल तो नहीं गई है, कोई IC फट तो नहीं गई है। अगर आप इसे चेक करना नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख करके इजिली आप इस IC को चेक करना सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से 1-2 IC खराब हुई, मान लीजिए ये IC खराब हुआ, जला हुआ हुआ या फटा हुआ हुआ, तो आप समझ जाना कि ये IC खराब हो चुका। अब इसके जगह हमें नया IC लगाना है। तो 20-30 आप इसको निकालिएगा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे जाइएगा, बोलिएगा 20-30 का IC दे दीजिए, ये दे देगा और आप इसके पुराने IC को निकाल करके यहाँ नया IC लगा सकते हैं इजिली, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कैपेसिटर आपको चेक करना है। ये दोनों कैपेसिटर है, बड़े बड़े लगे हुए हैं, छोटे छोटे भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये दोनों कैपेसिटर को देखना है, कहीं ये कैपेसिटर फट तो नहीं गया है, कहीं ये कैपेसिटर यहाँ से फूल तो नहीं गया है। अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर खराब होगा तो आपका ये IC भी खराब हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर AC वोल्ट को DC वोल्ट में बदलता है और यहाँ पे 16-16 वोल्ट तीनों IC को देता है, ठीक है। तो आपको ये सारे कैपेसिटर देखना है, कोई कैपेसिटर खराब तो नहीं हो गया, कोई कैपेसिटर फुल तो नहीं गया, ये सारे कैपेसिटर को देखना है। और कैपेसिटर आपको चेक करने नहीं आता तो मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 4558 का एक IC लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी देखना है कहीं ये खराब तो नहीं है। ज्यादातर ये खराब नहीं होता है लेकिन फिर भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आपका किट सही है, किट आपका पूरी तरह से खराब नहीं है, तब आपका प्रॉब्लम हो सकता है ट्रांसफार्मर में या फिर ये जो वॉल्यूम कंट्रोलर है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है कि वॉल्यूम कंट्रोलर आपका खराब हो गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ये जो ट्रांसफार्मर है अंदर में, इसको आपको खोल लेना है, ठीक है। फिर इस ट्रांसफार्मर को खोल करके इसको बढ़िया से चेक करना है, ठीक है, कहीं इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, कहीं कुछ लाइन को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कम वोल्ट या ज्यादा वोल्ट नहीं ना आ रहा है, ऐसे आपको चेक करना है ट्रांसफार्मर भी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर ठीक रहेगा तब आप समझ जाना यहाँ पर कुछ खराबी है, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल में कुछ खराबी है। तो आप अगर इजिली इसको खोल सकते हैं, ठीक है, तो खोलना है, खोल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको, तो इजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको जानना है कि ये खराब है कि अच्छा है, तो
तो आप एक बार म्यूजिक प्ले कर दीजिए, इसको धीरे धीरे करके हिलाइए और धीरे धीरे करके स्मूथ कीजिए। अगर आवाज में कुछ चेंज टाइप का आया, यानी कि कुछ अजीब कम बेसी मतलब कि घड़घड़ टाइप का, कुछ अजीब टाइप का आवाज आएगा, तो समझ जाना कि ये आपका खराब हो चुका है। ठीक है, अब इसका बात हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये कभी कभी ये भी खराब हो जाता है, आउटपुट कभी खराब हो जाता है, कभी इनपुट इनपुट वाला जो केबल होता है वो खराब हो जाता है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे इनपुट का केबल खराब हो गया था, जैसे आप देख सकते हैं ये इनपुट का तीन केबल है, एक केबल मैंने खराब हो गया था, टूट गया था, जिसके कारण लेफ्ट स्पीकर में आवाज नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, इस केबल जो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक तार नहीं ज्वाइंट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने इसे अलग से ज्वाइंट करके यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। ठीक है, हो सकता है आपका ये वाला खराब हो गया हो, अगर ये वाला खराब हो गया तो इसको ठीक कर सकते हैं आप इजिली, तार कभी कभी कट जाता है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर तो भी अगर ठीक करने पे आपका काम नहीं कर रहा, मान लीजिए ये सब सब कुछ ठीक है, ठीक है, और आपको सही से पता नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ चार पिन दिया हुआ है। ठीक है, ये मेन वॉल्यूम से ये आता हुआ चार पिन है, यानी कि मेन वॉल्यूम होता है ना ये वाला, जो बड़ा वॉल्यूम रहता है वो, ये वाला, इससे आता हुआ ये चार पिन है। ठीक है, ये चार पिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वो आर ओ लिखा हुआ है, एक वो जी लिखा हुआ है, जी एन डी ग्राउंड, और एक वो एल ओ लिखा हुआ है। ठीक है, आर ओ जी एन डी ग्राउंड, और एक वो लिखा हुआ है एल ओ, यानी कि ये जो तीन पिन है, ये जो यहाँ पे तीन पिन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीन पिन में यहाँ से वायर जोड़ना है, यहाँ पीछे आप मोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला लेफ्ट है यानी कि एल ओ, ये है ग्राउंड यानी कि जी है, और ये आर ओ है यानी कि राइट है। ठीक है, मैं आप इसमें आप पिन जोड़ करके आप देख सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जोड़ करके ये ऑक केबल का ये जो कनेक्टर है ये मैंने बाहर निकाला है, मैं डायरेक्टली इसमें ऑक केबल लगाता हूँ और अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ, बजाता हूँ, इसमें मैं इसमें ज्यादा झंझट नहीं रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, मतलब होम थिएटर किट से डायरेक्ट म्यूजिक चला जाता है, कोई वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोलर में नहीं जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम कंट्रोलर अगर खराब होगा तो नहीं बजेगा, अगर खराब होगा तो नहीं बजेगा। अगर आप यहाँ पे ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, ये वाला डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, यहाँ से म्यूजिक डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या खराब है क्या नहीं खराब है। अगर आपका वॉल्यूम कंट्रोल खराब होगा तो म्यूजिक नहीं बजेगा, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करके म्यूजिक बजाते हैं और म्यूजिक बज रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल खराब है और आप उसको इजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको इजिली चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका सब कुछ सही है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं आप जैक जैक को यहाँ से लेफ्ट और राइट से कनेक्ट कर रहे हैं और अपने मोबाइल से बजा रहे हैं, यहाँ से वो पावर जा रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक, अब वॉल्यूम कंट्रोलर भी सही है लेकिन स्पीकर स्पीकर कुछ नहीं बज रहा, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से खोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये आपका खराब हो सकता है, ये आपको इजिली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिल जाएगा, इसको आप खोल लीजिएगा, जाके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर ले सकते हैं। अगर आपका कुछ अगर मान लीजिए कुछ खराब नहीं है वॉल्यूम कंट्रोल, कुछ खराब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एकदम होम थिएटर एकदम सब कुछ सही है, तो समझ जाइएगा आपका ये वाला खराब है, ये वाला खराब होने का कारण ऐसा हो रहा। अगर मान लीजिए आप इसे चेंज नहीं करना चाहते, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप इजिली कोई बात नहीं है, चेंज नहीं कीजिए, आप जो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैंने जो डायरेक्ट कनेक्ट किया है, ठीक है, तीन वायर जो डायरेक्ट लेफ्ट राइट ग्राउंड जो डायरेक्ट कनेक्ट किया, आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिएगा, आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट करके एक ऑक कनेक्टर बाहर निकाल दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट अपना ऑक केबल लगा के मोबाइल में लगा के इजिली आप गाना बजा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप यहाँ पे सिंपली जो 5 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, जो 5 वोल्ट इससे जो इस बोर्ड में जाता है ये वाला किट में, तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट इसमें जा रहा है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। ये आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, इसको आप बाहर निकाल दीजिएगा तो इसमें 5 वोल्ट नहीं जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये जो वॉल्यूम कंट्रोलर है बड़ा वाला मेन वॉल्यूम बंद हो जाएगा, बेस वाला काम करेगा, बेस वाला वॉल्यूम कंट्रोल काम करेगा, लेकिन ये वाला जो है ये बंद हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल से कम बेसिक करके आवाज बजाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बहुत सारे चीजें समझा दिया है, हो सके कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इजीली आप घर में अपना रिपेयरिंग कर सकते हैं होम थिएटर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।